नमस्कार सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अलर्ट मोड पर। हल्द्वानी विधायक ने चार सड़कों का किया लोकार्पण। हल्द्वानी में आयोजित मैराथन दौड़ में हुआ जमकर हंगामा। उत्तराखंड में लगातार पांव पसार रही है डेंगू की महामारी। बागेश्वर के भांगोला गांव में सीएम धामी ने की स्थानीय लोगों से मुलाकात। केदारनाथ मंदिर के पीछे चारा बाड़ी की ओर आया एवलॉन्च। चोरी की बाइकों के साथ दो नाबालिग सहित चार आरोपी गिरफ्तार। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने कोरोनेशन हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। सीओ रानीखेत ने थाना चौखुटिया का किया आकस्मिक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। जसपुर के क्षेत्र महुआ डाबरा नगर पंचायत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने सभी से दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में सहयोग के लिए घर की मिट्टी या चावल लाने के लिए जोर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, आज लोगों ने हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया है। जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठकर हर समुदाय के लोग, देश का हर नागरिक आज इससे जुड़ गया है। जो इस समय गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, लोग अपने आंगन की मिट्टी लेकर कलशों में रख रहे हैं। जिनके बड़े मकान हैं, लेंटर के मकान हैं, घर में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वो चावल डाल रहे हैं ताकि उनका सहयोग राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र निर्माण में कहीं कम ना हो, बार बार रहे। इसके बाद जो हमारी वाटिका बनने वाली है दिल्ली में, इतनी ज़बरदस्त वाटिका बनेगी कि जिसमें तरह तरह के वृक्ष होंगे, तरह तरह के फूल पत्तियाँ होंगी, और जो भी जाएगा वहाँ पर उसको यह एहसास होगा कि इसका निर्माण मेरे आंगन की मिट्टी से हुआ है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश रखा है। अपनी माटी, अपनी धरती, अपने देश से जोड़ने का ये सर्वोत्तम कार्यक्रम आज तक का रहा है। जनपद अल्मोड़ा के SSP रामचंद्र राजगुरु ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CDS NDA NA परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही परीक्षा ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान अलर्ट मोड में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। संवाददाता हिमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने 1 करोड़ से अधिक की लागत से बनी 4 सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह विधायक निधि सबसे तेजी से खर्च करने वाले विधायक हैं, लिहाजा हल्द्वानी की सड़कों में गड्ढे देखकर उन्हें और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदेश को बड़ा दुख पहुंचता होगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में चमचमाने वाली सड़क आज गड्ढा युक्त है। वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि हल्द्वानी को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं देखिए, अभी 3 और इसके अलावा अतिरिक्त 4 आज उद्घाटन है, जिसमें से 2 खनन न्यास के मत से हैं और 2 विधायक निधि के हैं। अब आप जानते हैं विधायक निधि सबसे पहले खर्च करने वाला विधायक भी मैं पूरे प्रदेश में था, तो अभी कई सारे लोकार्पण होंगे। लेकिन राज्य सरकार को जो दायित्व निभाना चाहिए, जो संरक्षण देना चाहिए और जो विकास के प्रति सोच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी पाई जा रही है। और गड्ढा युक्त सड़कों की आदत हल्द्वानी वासियों को नहीं है, इसलिए बेहद आज कहीं माताजी जहां पे भी होंगी उनकी आत्मा में अवश्य कष्ट होगा। तो अवश्य अभी सत्र भी आने वाला है, इस विषय पे गंभीर तरीके से हम प्रश्न भी उठाएंगे और हमारी तरफ से निजी प्रयास जारी है और विकास की सोच जारी है। और कांग्रेस की जब भी सरकार रही, आपने देखा है सड़कों के क्या
खुशहाली रही है यहाँ पे, और आज जो बदहाली रही है सड़कों की, उसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में आज नशे के खिलाफ रन फॉर नेशन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन इस दौरान छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि MBPG कॉलेज में मैराथन दौड़ शुरू होनी थी, जिसमें काफी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे थे, लेकिन वहां की अव्यवस्था देखकर सभी में नाराजगी देखने को मिली, जो कि इतनी बढ़ गई कि बच्चों ने रोड में बैठकर आयोजक मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मैराथन के लिए बच्चों से 50 से लेकर 500 तक की फीस मांगी गई थी। वहीं नैनीताल के SSP पंकज भट्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये चीटिंग कर दी, क्या करा बेटा? पहले हम पांचवे नंबर पे आ गए, कहते हैं जज है नहीं, सब लोग आदरक से ट्रैक काट दे रहे हैं। 11 किलोमीटर पूरा दौड़ा, उसका क्या होगा? आदि साइकिल वाले कुछ दे तो देते। उत्तराखंड में डेंगू महामारी लगातार अपने पांव पसारती जा रही है, ऐसे में इससे लड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर राज्य में रक्तदान कैंप आयोजित करने का काम किया है, जिसमें 3 सितंबर से 13 सितंबर तक 9 बड़े रक्तदान कैंप आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डेंगू की बढ़ती महामारी के बीच जिस प्रकार से प्लेटलेट की कमी ब्लड बैंक में देखने को मिल रही है, उसे पूरा करने के लिए इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजित होने चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। Yes. सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा जब समय होता है, जब कोई महामारी बढ़ जाए, समाज मिलकर लड़ाई को लड़ता है तो आसान हो जाता है। कुर्सियों से लगातार डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं और समाचार माध्यम मीडिया होता है, मीडिया उसके माध्यम से तमाम खबरें मिल रही हैं। हमको ये लगा कि ये फिर शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हमने एक बड़ी मुहिम ली थी, हमने कहा था कि किसी को भी रक्त के अभाव में उसका जीवन जाने नहीं, और आज जो ये शिविर यहाँ पर हमने शुरुआत की है, अगले 13 तारीख तक ऐसे 9 शिविर लगाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर, और उसके माध्यम से जो रक्त की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, उसको दूर किया जाएगा। सभी समाज सेवियों से कि सब लोग इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ कर आ गया है, ये हमारी ज़रूरत है, हम इसको पूरा कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। बागेश्वर में गरुण क्षेत्र के भानखोला गांव में स्थानीय लोगों से मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक दिया। इस दौरान सीएम धामी द्वारा ग्रामवासियों की समस्याएं भी सुनी गयी, और इसके साथ ही उनके निराकरण हेतु आश्वासन भी दिया गया है। बागेश्वर से ब्यूरो रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में आज सुबह 7:25 के करीब केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे चारबाड़ी की और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एकाएक बर्फ का उबाल सा आ गया, जिससे सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं हिमालय में पूर्व में कई बार होती रही है। केदारनाथ से ब्यूरो रिपोर्ट। Oh,
सिडकुल चौकी पुलिस ने चोरी की बाइकों के साथ दो नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 बाइक बरामद की हैं। आपको बता दें कि कुछ समय से सिडकुल क्षेत्र से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी। थाना पंतनगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पर चौकी पुलिस ने चोरी हुई बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 9 चोरी की बाइक बरामद की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थाना पंतनगर क्षेत्र में और उसमें भी प्रमुखता से सिडकुल क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं, मिडिल क्लास के लिए बाइक जो है बड़ी मेहनत से आदमी पैसा इकट्ठा करके लेता है और उसके चोरी होने के पश्चात बहुत दिक्कत उसको फेस करनी पड़ती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि भयमुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है हम लोगों को। उसी क्रम में इसके पीछे हम लोगों ने टीम लगा रखी थी इसमें चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए, और इसी क्रम में बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें लगभग 150 से 200 कैमरे देखने के बाद और मैनुअल सर्वेलेंस की सहायता से हमने 4 व्यक्तियों को इस मामले में हिरासत में लिया था, जिसमें से 2 नाबालिग थे। तो उसमें विधि विवादित किशोर थे, तो तदनुसार उसमें कार्रवाई की गई। 2 बालिग हैं इनमें, उनकी अरेस्टिंग की गई है। और इस मामले में 10 बाइकें हमें बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 जो है थाना पंतनगर के थाने में रजिस्टर्ड हैं वो, और बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि अनअटेंडेड बाइक्स जो अनऑथोराइज जगह पर खड़ी रहती थी, ऑथोराइज पार्किंग में नहीं होती थी, उसको टारगेट करते थे और मास्टर की सहायता से उसको स्टार्ट करके ले जाते थे और उसको सेल कर देते थे। और जो बाइकें सेल नहीं हुई थी वो इन्होंने एक जगह छुपा रखी थी, जहाँ से हम लोगों ने रिकवर की हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैसेज ये भी हम लोग देना चाहेंगे कि अपनी बाइक्स जो है उसमें एक एक्स्ट्रा लॉक जरूर लगवाइए और उसको केवल ऑथराइज्ड पार्किंग में ही खड़ा कीजिए। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पकड़ी ये क्या हाल कर दिया रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए आर राजेश कुमार ने डेंगू वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। साथ ही पैथोलॉजी सेंटर बंद होने पर सचिव का पारा चढ़ गया। इसके अलावा मरीज के बेहतर इलाज के लिए उनके द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही होने के चलते सख्त कार्यवाही करने की भी बात कही गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सर थोड़ा आगे आजा। नाम क्या बेटा आपका, नाम बताइए। सिवरानी खेत में थाना चौकुटिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। साथ ही वहां के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस सम्मेलन में सभी पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी गयी और उनका समाधान करने के लिए कहा गया। संवाददाता हिम्मत सिंह भारत की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।